तो फ्रेंड्स कैसे हो, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही जो है आपकी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी सॉन्ग यानी पूरा डाटा आप इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो इसके ऊपर मैंने पहले एक और वीडियो बनाई थी तो जिसके नीचे काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि जो सॉन्ग वगैरह है या कुछ है वो कैसे इसके अंदर जो है हम डाल सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल से आपका पूरा डाटा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें। तो मेरे पास है HP की यहाँ पर जो पेन ड्राइव है, तो आप इसी को खरीदें, ये बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मोबाइल और ये है मेरे पास HP की 64 GB की जो पेन ड्राइव है यहाँ पर है। अगर आप इस पेन ड्राइव को बाय करना चाहते हैं 64 GB या 32 GB तो इनका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सीधा Amazon से उस लिंक पर क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर अपने मोबाइल से कोई भी गाना, फोटो, वीडियो को कैसे इसके अंदर आप सेफली रख सकते हैं, इसके अंदर कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका चार्जिंग पॉइंट है, तो मेरे पास है सी टाइप। अगर आपका जो मोबाइल सी टाइप है, ज़्यादातर आजकल सी टाइप ही आ रहे हैं, या फिर आपका जो दूसरा माइक्रो USB जो आता है या वो है, तो आपको उसी तरीके का जो है आपको या तो आपको जो उसी तरीके का मतलब जो पेन ड्राइव अपना लेना है सी टाइप में, या अपना अपने उस हिसाब से दोनों आपको दोनों तरीके का ये आता है, या फिर आपको एक OTG केबल लेना है उसका आप इस साइड से भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं और इस साइड से भी अगर आपका जो नहीं हो रहा है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो अब ये मेरे पास सी टाइप का, तो अपने हिसाब से इसको उसी हिसाब का बाय कर लेंगे जो आपके पास मोबाइल है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करें, तो मेरे पास सी टाइप है तो मेरा मोबाइल जो सी टाइप है, तो अब इसको कनेक्ट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको अब बहुत से मोबाइल के अंदर अब जो OTG अगर आपके मोबाइल के अंदर है तो आपको सबसे पहले उसे ऑन करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल से सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च कर लेंगे OTG, तो यहाँ पर OTG कनेक्शन आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो OTG कनेक्शन है ये आपको ऑफ मिलेगा, ये हर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसे यहाँ से ऑन करना है, उसके बाद अपनी जो है आपको इसके अंदर इसको लगाना है अपनी पेन ड्राइव को। अगर और बहुत से अगर आपके पास ज़्यादा पुराना मोबाइल तो उसके अंदर आपको ये OTG वाला जो कनेक्शन है वो ना मिले, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उसको सीधा डायरेक्ट आप लगा देंगे। और अगर वो कनेक्ट नहीं करता है तो आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या फिर रीस्टार्ट करके फिर से ऑन करना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद चलिए अब जो है हम अपने जो पेन ड्राइव इसको इसके अंदर इस तरीके से अटैच कर लेते हैं, इसके अंदर लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा तो आपको ऊपर भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है USB डिवाइस यहाँ पर ये जो है इसके अंदर कनेक्ट हो चुकी है। अब जाएंगे हम अपनी फाइल मैनेजर में। अब आपको कोई भी इसके अंदर डाटा अपना ट्रांसफ़र करना तो यहाँ पर इस तरीके से OTG का ऑप्शन आ जाएगा, ये आपकी जो है पेन ड्राइव ही है, ठीक, जो आपको यहाँ पर ये शो हो रही है पेन ड्राइव ही है। तो अब यहाँ पर आपके फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट सभी कुछ अगर जिसको भी आप इसके अंदर जो करना चाहते हैं ना, तो आप उसको इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की हम जानकारी आपको अपने चैनल पर देते रहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी जो पेन ड्राइव है उसी का नोटिफिकेशन है। तो अब हम जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। अब कोई भी आप डाटा अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, अब हम अपनी फाइल मैनेजर के अंदर चले जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पर OTG का ऑप्शन मिलेगा इस तरीके का। ये हमारी पेन ड्राइव है जो हमने इसके अंदर कनेक्ट कर रखी है, ये ऑप्शन यहाँ पर अलग से आ जाएगा, इसको हटाते ही ये यहाँ से चला जाएगा। तो ये हमारी OTG, अगर आप अपनी जो पेन ड्राइव है उसको देखना चाहते हो उसके अंदर, तो यहाँ पर जो भी अलग अलग आपने यहाँ मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर बना रखे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हैं और अपने हिसाब से अपने फोटो ऑडियो वीडियो जो भी आप उस हिसाब से उसी के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अपना न्यू फोल्डर कोई भी कुछ भी नेम आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर म्यूजिक में एक रख लेता हूँ, ठीक, तो हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो हम ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी बना रखा है, चलो हम यहाँ पर म्यूजिक 2 कर लेते हैं, हो सकता है ये ना होगा, तो इस तरीके से है यहाँ पर हमारा जो अब यहाँ पर म्यूजिक है, म्यूजिक 2 हमने यहाँ पर जो अभी फोल्डर बनाया है यहाँ पर ये बनकर आ चुका है। अब यहाँ पर कोई भी हम कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसके अंदर जो है हम सॉन्ग वगैरह कैसे इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube या फिर कहीं और से कोई भी सॉन्ग को इसके अंदर करना चाहते हैं तो आपको उसे पहले डाउनलोड करना होगा अपनी मोबाइल गैलरी में, ठीक है, यानी अपनी फाइल मैनेजर के अंदर, यानी आप YouTube से किसी और भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारी ये फाइल मैनेजर है, हमने कोई भी जो सॉन्ग है कोई भी वीडियो उसको पहले डाउनलोड करना है अपने फाइल मैनेजर का, जब आ जाएगा इसके अंदर जो भी हमारी वीडियोस वगैरह ऑडियो उसको हम फिर ट्रांसफ़र कर पाएंगे डायरेक्ट। जैसे मान लो यूट्यूब से हम कोई भी हमें सॉन्ग या वीडियो पसंद है तो उसको हम डायरेक्ट इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको पहले हम डाउनलोड करेंगे अपनी जो है यहाँ पर मोबाइल गैलरी में, यानी फाइल मैनेजर के अंदर, फ़ोन के अंदर पहले उसको डाउनलोड करें, उसके बाद ही इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र करें। तो मान लो हम यहाँ पर पहले हम फोटो करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे हम कोई भी अपना फ़ोटो इसके अंदर मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद। चलिए यहाँ पर हम ये फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, इसको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोन स्टोरेज आपकी यहाँ पर जो है आ जाएगी, जो भी आपने OTG इसके अंदर कनेक्ट कर रखी है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी देख सकते ऊपर OTG लिखा आ जाएगा, अब आपके पेन ड्राइव में सभी डाटा जाने वाला जो भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप ये जो है भेजना चाहते हैं, जिसके अंदर आप ये कॉपी करना चाहते हैं पिक्चर या यह है फ़ोटो का ऑप्शन या पिक्चर, तो हम इसी को सीधा सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू हियर कर देंगे, तो हमारा जो है ये कॉपी उसके अंदर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जैसे म्यूजिक है या फिर कोई भी सॉन्ग है, ऑडियो सॉन्ग है कोई भी है, तो आप उसको भी करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर ये दो म्यूजिक जो है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आप एक साथ सबको भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके मतलब एक दो एकदम से ज़्यादा ना करें तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा करना है। तो उसके लिए आपको कॉपी फिर से करना है, यहाँ पर आप फिर से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम जैसे हमने ऑडियो लिया तो हम म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेंगे, म्यूजिक वाला फोल्डर, उसके बाद आप सिंपल कॉपी टू हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो कॉपी टू हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर, जैसे हम यहाँ पर ये भी कॉपी हो चुका है उसके अंदर जा चुका है। चलिए अब कोई भी वीडियो इसी तरीके से आप इसके अंदर भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, हम चल डॉक्यूमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास दो PDF फाइल हैं, तो फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, फिर से हम OTG के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपना जो भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है उसी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी फोल्डर में इसको जैसे डाल देते हैं, उसके बाद जैसे हम इसको कोई भी फोल्डर मान ले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ठीक है, तो हम जैसे इसी के अंदर हमें डालना चाहते हैं, हम कॉपी टू हियर कर देंगे, तो हमारा ये जो है कॉपी उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे OTG ऑप्शन ओके करते हैं, अब हम मैं आपको दिखाता हूँ हमने कौन कौन से इसके अंदर जो है, जैसे हमने म्यूजिक के अंदर दो सॉन्ग हमने किए तो इसके अंदर आ चुके हैं, ये हमारे पेन ड्राइव के अंदर हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो जो फोटो वगैरह डाले थे वो पिक्चर इसके अंदर आ चुकी हैं, और जैसे हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डाला था, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, वो हमने इसमें डाला था। यहाँ पर हमारी जो PDF फाइल इसके अंदर ये आ चुकी हैं, ठीक है, हमने इसी के अंदर वो डाले थे, PDF फाइल इसके अंदर ये आ चुकी है जो अभी हमने कॉपी की थी अपने फ़ोन से अपने पेन ड्राइव में।
तो ये हमने जो जैसा कि आप मैंने आपको बताया ऑडियो वीडियो फोटो जो भी कुछ है डॉक्यूमेंट्स आप डायरेक्ट अपने फ़ोन से सीधा OTG यानी अपने जो है अपने पेन ड्राइव में जो है सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने किसी भी डाटा को आप इसके अंदर सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से, वो भी बिना कंप्यूटर के। आपको कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, आप सीधा ट्रांसफ़र कर पाएंगे इस तरीके से। अब आपको ये है कि आपने जो है पेन ड्राइव के अंदर जो है कुछ भी कर लिया है, अब आप उसको अपने मोबाइल में फिर से लाना चाहते हैं तो आप कैसे लाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपना सीधा OTG यानी अपनी जो पेन ड्राइव उसी पर जाना है, अपनी पेन ड्राइव ओपन करनी है। तो इसके अंदर जो भी कुछ आपके पेन ड्राइव में जो भी आपका डाटा होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मान लो हमें कोई भी लेना, वही आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको अपने मोबाइल के अंदर वापस लाना है, ठीक है? तो हमने जैसे फ़ोटो वाला फोल्डर ओपन किया, तो हम यहाँ से अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपको सीधा फिर से जो है कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप फ़ोन स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से वो फोल्डर अपना सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर जो भी आपके फ़ोन के अंदर जो भी फोल्डर है वही उसी को अंदर जिसको जिसके अंदर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उसी को, जैसे ये पिक्चर वाला है तो इसके अंदर हम कॉपी टू हियर इसको कर लेंगे। तो ये कॉपी हो चुका है, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये अब हम जो है अपने ठीक फ़ोन स्टोरेज के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने वही फोल्डर देख लेना है जिसके अंदर अभी आपने कॉपी किया था। तो ये है हमारा वो फोल्डर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो फ़ोटो वगैरह हैं आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप पेन ड्राइव से आप अपने फ़ोन में भी वापस उस अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अपने फ़ोन से भी जो अगर कोई आपका पर्सनल डाटा है तो आप उसको अपने पेन ड्राइव में भी ट्रांसफ़र इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको दोनों काम कर सकते हैं, पेन ड्राइव से फ़ोन में भी, फ़ोन से पेन ड्राइव में, ठीक। कोई भी डाटा चाहे कोई भी सॉन्ग हो कुछ भी हो, लेकिन वो ही डाटा आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे जो आपने अपने फ़ोन यानी अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड या फिर उसके अंदर अपनी गैलरी में है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई भी सवाल है अभी भी तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, आपको इंस्टाग्राम का लिंक हमारी सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।